हेलो भाई, मैं उम्मीदवार आज आपको दिखाने वाला हूँ रियल थार। अभी मेरा रियल थार से क्या मतलब है भाई, जो अपनी आज आप 2020 वाली थार देखते हो ना, 21-22 जो 2020 में उसका नया वाला मॉडल आता, वो पूरी पूरी गाड़ी इससे इंस्पायर्ड है। अभी आप देख रहे होंगे, आप बहुत लोग कह रहे होंगे ये तो थार है भाई, लेकिन मैं आपको बता दूँ रियल वाली थार से मेरा मतलब है ये है जीप रेंगलर। अभी पूरी पूरी जो थार है ना वो कॉपीड है भाई इस गाड़ी से। अभी ये इतनी पॉपुलर गाड़ी है ना, मतलब जिसको 4x4 का शौक होता है और जो ऐसी गाड़ी दिखनी चाहते जो थोड़ी प्रीमियम भी हो, थोड़े ज़्यादा लग्जरी फीचर्स हैं उसमें और 4x4 प्रॉपर कैपेबल हो, वो जाता है जीप रेंगलर की तरफ और ये आपकी रूबिकॉन। अभी आपको मैं डिटेल में इसके सारे फीचर्स बताने वाला हूँ, क्या मिलता है इस गाड़ी के अंदर और इसकी जो प्राइस है अभी कम कर दी इंडिया में, क्योंकि अभी इंडिया में ही बनने लग गया। पहले पूरी पूरी इंपोर्ट होती थी, CBU यूनिट हुआ करती थी, बहुत महंगी होती थी। अभी थोड़ा बजट में आ गया तो लोग इसको लेना पसंद करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले की से स्टार्ट करता हूँ भाई मैं। इस तरीके की आती है, हम लोग अक्सर कंपास की से शिकायत करते रहते हैं कि भाई क्या की बना रखी है, दो बटन आते केवल, मतलब तीसरा बटन उसके अंदर आता है जिससे आप अपनी जो इलेक्ट्रिक टेलीगेट है उसको उठा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं है, ये वाले फीचर्स भी नहीं है। ये बेसिक एक ऑफ रोड टाइप व्हीकल है जिसको आप कहीं भी ऐसे एरियो में लेके चले जाओ, आपको कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली है। यहाँ पे दो बटन है, अनलॉक के, लॉक के, और यहाँ पे आपको देखो यही वही वाली बात हो गई। फिर हम महिंद्रा टाटा शिकायत करते कि भाई ये क्या है फिजिकल की। जीप की रेंगलर में भी आपको जो आपको 56 लाख रुपए की एक्स शोरूम इंडिया में पड़ती है, उसमें भी आपको इस तरीके की आपको फिजिकल की ही देखने लिए मिलती है। हालांकि अंदर देखेंगे पुश स्टार्ट बटन है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए अनलॉक करने पे पूरी यहाँ पे आपकी लाइट जल जाती है और ये स्टॉक आते हैं कंपनी से जीप, जिसके अंदर आप देखोगे जीप और ये लिखा हुआ है परफॉर्मेंस लाइट्स, तो ये पूरी LED सेटअप आता है। अक्सर लोग ये वाली लाइट्स थार में बाहर से लगवाते हैं आफ्टर मार्केट, लेकिन इसमें प्रॉपर यहाँ से आते हैं। और ये थार में आप देखोगे ये वाले DRL हो, ये इंडिकेटर हो, ये लाइट्स हो और ये ग्रिल वगैरह हो, सब कुछ कॉपीड है। मतलब महिंद्रा ने ना पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर रखी है गाड़ी। प्लस यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कुछ कुछ चेंज भी है भाई, पूरी इतनी तगड़ी आपको नहीं मिलती गाड़ी, आप जैसा आपको लग रहा होगा ना दिखने में। इसके टायर्स वगैरह चेंज हैं, यहाँ पे जो अलॉय व्हील हैं ये भी चेंज हैं, क्योंकि ये फ्यूल के हैं और ये बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव आते हैं, 6-7 लाख रुपये के। तो इसके अंदर भाई आपको टायर्स ही मिल जाते हैं, मतलब इस वाली पर्टिकुलर मॉडिफाइड है ये, इसमें आपको कंपनी से स्टॉक जीप ऐसा नहीं देती है। यहाँ पे आप देखोगे इसका ये भी चेंज है, बम्पर वगैरह इसमें विंच वगैरह लगी। मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ना, ये आपने देखा होगा थार में भी आती है, लेकिन ये भी आपकी जीप की रेंगलर से ही कॉपीड है। प्लस जो ये वाली ग्रिल आती है ना, जैसे 7 स्लॉट ग्रिल आपने देखा होगा ब्रेजा में लोग लगवा लेते हैं, मतलब जीप को हर कोई कॉपी कर ही लेता है भाई एट द एंड। जैसे 7 स्लॉट ग्रिल उसकी आ गई, अब ना आप बहुत गाड़ियों में देखते हो, सेम आपकी रेंगलर की ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है आपकी थार में। खैर ये हो गया इसका फ्रंट लुक, यहाँ पे आप देखोगे इसमें पूरा का पूरा बोनट आपका डिजाइन देखोगे तो पूरा ऐसा आता है। अगर आप साइड से लुक की बात करते हो तो ये है पूरी की पूरी 5 डोर भाई। अभी लोग कहते हैं ना थार को 5 डोर कब आओगे, कब लेके आएंगे महिंद्रा वाले, उसमें ज़्यादा कम्फर्ट ऐड हो जाएगा, पीछे जाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आया करेंगी। लेकिन उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन आप देखते हो ये वाला आता है, क्योंकि इसमें 5 डोर है, अपना आराम से फैमिली भी अंदर जा सकते हैं। लेकिन फिर क्या है, ऐसा ऑफ रोड में थोड़ी सी शिकायत बनती है, क्योंकि इसका व्हील बेस बहुत लंबा हो जाता है। आप देख रहे हो कितनी चौड़ी है भाई, नीचे तो कहीं टच होने की समस्या इसके अंदर बन जाती है। अभी आप देखोगे तो इसके भाई ये लिफ्टेड भी है, सस्पेंशन वगैरह आप देखोगे तो काफ़ी इसमें काम कर रखा है। आयरन मैन प्रो के इसके अंदर सस्पेंशन अप है और ये जीप रेंजलर की यहाँ पे बैजिंग आती है, और ये आप देखोगे तो ट्रेल 4x4 है। यहाँ पर रूबिकॉन लिखा गया, इसके अंदर 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक लिमिटेड हो गया, एक रूबिकॉन हो गया, टॉप वेरिएंट है। इससे जो नीचे वाला है उसमें कम फीचर्स मिलते हैं, इसमें पूरा लग्जरी फीचर्स इंटीरियर में आपको केबिन में लेके चलूंगा तो आपको पता चलेगा क्या क्या इसके अंदर है। टिंटेड आपको ग्लासेस मिलते हैं। चलिए पीछे से देखते हैं अब भाई जीप रेगुलर कैसी दिखती है। यहाँ पे आप लुक देखोगे इसके तो ये जो स्पेयर टायर है, मतलब टायर चेंज करवा रखे हैं इस तरीके से, इसमें हाई लेवल के भाई देखोगे लो भी लगवा रखे हैं, स्टॉक आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा पीछे इसमें डुअल एग्जॉस्ट आपको मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके आपके रिफ्लेक्टर्स, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और कैमरा में बताऊँ आपको कहाँ भी मिलता है इसका कैमरा दिया गया भाई यहाँ पे, ये देखिए कितना स्मार्टली डिजाइंड है, यहाँ पे कैमरा दिया गया है। प्लस इसका जो ये वाला है ना चोर, इसको चोरी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें नट देखोगे कितने सारे तो नट मिल रहे हैं, और ऐसे मिलेंगे भी कहाँ उनको। ये टायर से डिजाइंड इन सिंगापुर। अभी ये देखोगे यहाँ पे भी आपको एक रिफ्लेक्टर सा मिल जाता है, यहाँ से अगर हम खोलते हैं तो आपने देखा होगा ओ भाई ये कितनी स्पीड में गया है, क्योंकि इसमें बहुत हैवी बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है। पूरी पूरी थार इससे ही कॉपीड, आप देखो इसमें भी ऐसे ही खुलता है, थार भी ऐसे ही खुलता है। यहाँ पे आपको डिफोगर भी मिलता है, वाइपर भी मिलता है इस गाड़ी के अंदर। प्लस जो हम थार शिकायत करते रहते हैं कि भाई तार वगैरह दिखते हैं, यहाँ पे भी दिखते तो हैं लेकिन वो कवर्ड हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे बूट स्पेस भी आपको प्रॉपर मिल रहा है, ऊपर आपको यहाँ पे रूफ मिल जाती है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैब्रिक वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा नेट भी मिल जाता है जिससे अपना थोड़ा सा प्राइवेसी भी रहे। और यहाँ पे बार बार को एक सॉकेट दिया गया, अगर आपका टायर वगैरह का पंचर हो जाता है उसको आप टायर इन्फ्लेट भी कर सको। बाकी एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई, जैसे लोग कहते हैं कि भाई थार अपना इंडिया का वो हो गया प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी देखिए डिजाइंड इन USA है लेकिन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, तो अभी इंडिया में ही बन रही है। प्लस यहाँ पे देखिए इसकी स्पेसिफिकेशन भी लिखी गई हैं, कैसा क्या क्या सिस्टम है, मतलब पूरी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे इसकी मिल जाती है। अब इसको यहाँ पे बंद करते हैं, और टाइम आपको इंटीरियर में लेके चलने का, और यहाँ पे इसको जान लगा के हमको बंद करना पड़ेगा। टेल लाइट भी पूरी पूरी आती है भाई, जो आपको थार में देखने मिलती है, मतलब
थार में इससे कॉपी करी गई, तो मतलब ये पहले गाड़ी, तो ऐसा समझे वाइस वर्सा, जैसे मैं कभी कभी बोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके की ओआरवीएम आपको मिल रहा है, और यहाँ पे इसका स्नोर्कल मिल रहा है आपको, जहाँ से एयर इनटेक करते हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है भाई इसका एंटीना। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर, और जीप रैंगलर की आपको यहाँ पे भी बेजिंग मिल जाती है। अभी भाई ये ऊंची बहुत है, जबकि महिंद्रा आपको चढ़ने के लिए ये वाला सिस्टम देते हैं, लेकिन ये इतनी ऊंची है ग्राउंड से, फिर भी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी देखिए भाई ये गाड़ी में आपको इतनी महंगी 70 लाख रुपए की ऑन रोड गाड़ी ये पड़ती है, तब भी आपको यहाँ पे देखिए मैनुअल सीट एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। आप इन सब गाड़ियों से ज़्यादा उम्मीदें ना करें, अगर आपको उम्मीदें करनी है तो फिर आप वो ले सकते हैं जियो जीप की मेरिडियन आई है अभी नई नई, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं अपने फीचर्स के साथ साथ, 4x4 कैपेबिलिटीज़ भी, और पूरा एक लग्जरी सौदा, 7 सीटर वगैरह उसमें सब कुछ मिल जाता है। अभी बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो भाई यहाँ पे आपको बेसक से फिजिकल की दे रखी हो, लेकिन यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, तो इसको हम एक बार दबाएंगे, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको घुमाता हूँ, और ये देखिए रेंगलर किस तरीके से बन के आती है। ये बड़ा प्यारा लगता है भाई इसका कंसोल, आप देखते हो ना, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह यहाँ पे आपको सारे फीचर्स बताते हैं। अपना फ्यूल लेवल फुल है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको जीप की तरह ही यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट्स वगैरह का कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे ओआरएम का कंट्रोल है, और यहाँ पे आपको ये वाले वो वाला अल्ट्रा वाइड वाला सीन मिल जाता है ओआरएम के अंदर। और यहाँ पे इसकी जो ये देखोगे ना आप, थोड़ा सा अलग ही मटेरियल है भाई, एकदम से डिफरेंट। और इतना ही नहीं, रुकी भाई थार महिंद्रा वालों ने ये तक कॉपी कर लिया, मतलब स्पीकर्स की प्लेसमेंट कि 2 स्पीकर यहाँ पे दे दिए, और एक यहाँ पे लाइट इन लोगों ने तो दे रखी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ट्विटर ऐड ऑन कर दिए, तो देख रहे हो कितनी कॉपी वगैरह करी है। यहाँ पे आपको मिलता है पूरा का पूरा रेड। अभी जो स्टीकर वगैरह देख रहे हो, ये भाई जीप इसको कभी भी लगा के नहीं देती है, ये तो ऐसे उन्होंने मालिक ने अपने लगा रखे, शौक की जो चीज होती है वो वाली चीज है। केवल स्टीयरिंग व्हील देखो जीप लिखा गया है, यहाँ से आप अपना ये कंट्रोल कर सकते हो। कंपास में भी कुछ कुछ इसी तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे ऑफ रोड वगैरह के आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं भाई क्या सीन इसका चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे अगर आप जब बात करते हो तो फ्यूल इकोनॉमी आपको पता चलती है, यहाँ पे ट्रिप इन्फो वगैरह है, स्टार्ट स्टॉप वगैरह, नो डिवाइस कनेक्टेड है यहाँ पे, इसके आपको सारे मैडिक कंट्रोल मिलते हैं, फोन उठाने का, वॉइस कमांड वगैरह का फीचर्स है, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है। और अगर आप यहाँ की बात करते हो तो इसको आप नीचे ऊपर आगे पीछे जैसा आप मर्जी ऐसा आप कर सकते हो। ये थोड़ा रेड कलर में आपको ये सारा कुछ मिल जाता है। और अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे भाई दुनिया भर के फीचर्स आपको मिलते हैं इसके इंफोटेनमेंट में। यहाँ पे आप अपना फोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको, ऑन वगैरह करोगे आप तो यहाँ पे आपको कितनी हवा चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, कहाँ पे चाहिए, वो वाला सिस्टम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसको यहाँ पे ऑफ कर देते हो क्योंकि फिर हवा की आवाज आती है भाई। और यहाँ पे मिरर डिमर हो गया, ये वाला जो सिस्टम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ऑटो आईआरवीएम में अपने आप डे नाइट अपना करता है। बैकअप कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि पीछे का सारा कैमरा दिखाता है। कैमरा क्वालिटी कितनी क्लियर है भाई साहब, देखना पूरा एक एक पत्थर दिख रहा है पीछे का, पूरा एक एक पत्थर यहाँ पे विजिबल है। एप्स में जाओगे ना आप तो ये वाला आपको सारा कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे दुनिया भर के इसमें फीचर्स आते हैं। जैसे ऑफ रोड पेजेस में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे प्लीज वेट, तो वेट भी करवाता है भाई, यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बता रहा है ऑफ रोड पेजेस में, मे बी लो बट नेवर स्टक। ओ वाह क्रिएटिविटी देख रहे हो, ये देखो भाई स्टीयरिंग एंगल, यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक, फ्रंट एक्सल अनलॉक्ड, और यहाँ पे कितनी सारी चीजें बताते हैं, स्टेयरिंग एंगल कितना है, ट्रांसफर केस कितना है, तभी प्लीज वेट बता रहे थे। ऐसे ऐसे गोजेस में आप बताते तो यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज, ऑयल टेम्परेचर सब कुछ बताता है। ये देखना 5 डिग्री पिच, और अभी देख रहे हो पूरी टेढ़ी खड़ी कर रखी है, तो यहाँ पे 13 डिग्री रोल आ रहा है, एल्टीट्यूड 366। भाई कितना सेट है यार सिस्टम, फोन वगैरह का सेटिंग, और यहाँ पे दुनिया भर की सेटिंग तो आपको मिल रही है। मतलब ये स्क्रीन भी बहुत सही है, मतलब ऐसे स्क्वायर उसमें है, स्क्वायर में से कुछ ऐसा नहीं है ना, वाइट है हॉरिजॉन्टल ऐसे कर रखी हो। यहाँ पे रेंगलर लिखा गया है, अगर आप यहाँ की बात करते हो तो आपको छोटा सा थार ने ये भी कॉपी कर लिया कि छोटा ही देंगे भाई, उसमें भी छोटा आता है, तो प्लस यहाँ पे भी लोकल लॉक आप कर सकते हो, ये इसका डोर ओपनर हो गया। इसके अलावा आप बात करते हो तो यहाँ पे इसी के सारे कंट्रोल आते हैं दुनिया भर के। यहाँ से तो आप ये वाला सिस्टम अपना जो वॉल्यूम कंट्रोल हो गए, ट्यून स्क्रोल वगैरह आपको करना है यहाँ से कर लोगे आप। यहाँ पे पूरा एसी के सारे कंट्रोल आते हैं। ये पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का है, देखिए पार्क सेंस ऑन ऑफ, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटो ऑन ऑफ आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है वो वाला सिलेक्ट स्पीड, न्यू शिफ्टर प्लस। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसके जो ये वाले बटन है ना वॉल्यूम कंट्रोल या फिर वो नेक्स्ट प्रीवियस करने के, वो भी आपको यहाँ पे पीछे साइड ही मिलते हैं, जस्ट लाइक कंपास और मेरिडियन वगैरह में आप देखते हो। तो जीप का ये सब सही चीजें हैं, अमेरिकन कंपनी तो भाई बहुत सारा सोचते हैं यूएसए का। यहाँ पे आपको सिग्नल लाइटर मिल जाता है, यहाँ पे आप बात करते हो तो यहाँ पे वो वाला लॉक होता है ना कि आपको मिरर चढ़ावानी या नहीं चढ़ानी, तो वो वाला सिस्टम आप यूज कर सकते हो। प्लस जो इसके आप विंडोज वगैरह रोल करते हो यहाँ पे मिल रही हैं, ये देखिए यहाँ से आपकी जो पावर विंडो है ये ऑपरेट होती है, इसके कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे नहीं देती कोई भी कंपनी, चाहे आप गुरका की बात कर लो या फिर अपना थार की बात कर लो, नहीं मिलता आपको। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिल रहे हैं ओआरएम्स को, ये हीटेड ओआरएम आपको मिल रहे हैं, देखिए ये हीटेड मिलते हैं आपको, और यहाँ पे लेदर मिल रही है आपको, यहाँ पे बोतल होल्डर यहाँ पे भी नहीं दिया गया है, और यहाँ पे आपको नेट मिल जाता है। अच्छा ये हो गया आपको इसके सारे कंट्रोल, ऑक्स हो गया, टाइप ए पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, वो मीडिया के आपको यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा मेन चीज़ आती है भाई जिसके लिए लोग इसको लेते हैं, वो 4x4 कैपेबिलिटीज़। अब यहाँ पे आप देखो कितने सारे आपको फीचर्स मिल रहे हैं,
ऑफ रोड प्लस, मतलब आपको एक्सट्रीम ऑफ रोड जाना है, स्वे बार मतलब जो टायर्स आपका टच ना करे जब आप ऐसे एंगल पे इसको खड़ी कर देते हो, प्लस यहाँ पे फ्रंट रियर डिफरेंशियल लॉक करना, रियर ओनली करना हो उसके सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे देंगे, प्लस रेड की थीम है तो ये पूरा मैचिंग मिलता है आपको यहाँ पे। 2H 4H 4H पार्ट टाइम न्यूट्रल 4L, मतलब आप एक कहीं भी मतलब फंसती है तो आप उसको निकाल सकते हो किसी ना किसी मोड में डाल के, वो वाला सिस्टम इसके अंदर आपको मिलता है। प्लस ये ऑटोमेटिक है पेट्रोल में, तो ये आपको यहाँ पे ड्राइव मोड मैनुअल भी आप इसको चला सकते हो, और ये देखिए किस तरीके से आवाज़ करती है, और यहाँ पे एवरेज देती है कुल 4.3 किलोमीटर पर लीटर की। इसके अलावा यहाँ पे भी लोगो आता है, दो का पुलर आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको मिलती है इसके ब्रेक, इस तरीके से आप इसको पुल कर सकते हो, फिर यहाँ पे टिक जाएगी। यहाँ पे आप एक आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसमें दुनिया भर का स्पेस आता है, और भाई यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ से ये जो आपकी छत है ये खुल जाती है, तो इनको अगर आप करोगे इधर उधर तो ये आपकी ये वाली जो छत है ये भी खुल जाएगी। इसमें दुनिया भर के आपको ये नट से दे रखे हैं, यहाँ खोल के आप जा सकते हो, यहाँ से बात करते हो तो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है लाइट के साथ आपका नट भी, और यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे वही चीज़ दी गई है। लेकिन भाई ये ऐसे है कि मतलब पता ही नहीं चलता इस तरीके से इन्होंने बना रखा है। चलो पीछे एक साइड ले चलता हूँ, जो आपने थार में कभी नहीं देखा होगा, मतलब थार में वो चीज़ आती नहीं है, वो है इसका रियर डोर। अब ये सिंगल है, एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं भाई, मतलब आप अपना से डोर अपना पीछे वाला भी खोल सकते हो, ना गुरखा में वाली चीज़ आती ना इसमें आती, लेकिन इसका प्रीमियम 70 लाख रुपए, वो 17 लाख में मिल जाती है, और ये उससे भाई कितनी महंगी आप इससे अंदाज लगा सकते हो। इसमें पीछे भी आदमी बैठ के आराम से जा सकता है, मतलब फैमिली को वो शिकायत नहीं होगी कि क्या गाड़ी ले ली भाई, इसको सीट करके मेरे को जाना पड़ता है, वाली दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे एसी वेंट्स आते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ से जो पिछले वाले बंदे हैं वो अपनी जो शीशे हैं उनको अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 पोर्ट मिल रहे हैं टाइप ए के, 2 मिल रहे टाइप सी, और ये भाई जो अपना फोन मतलब वो लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो आप इससे। 230 एसी वोल्टेज आपको यहाँ से मिल जाती है, जिससे अपना बहुत सारी चीज़ आप चार्ज कर सकते हो, जो आपको घर में लाइट मिलती है उस तरीके की आप अप्लायंसेस अपने इसमें यूज कर सकते हो इस गाड़ी के अंदर। तो स्पीकर देखो कितना बड़ा मिलता है भाई आपको, यहाँ पे लेदर मिल रहा है आपको, यहाँ पे अपना सिल्वर फिनिश में आपको डोर ओपनर मिल रहा है, प्लस बोतल होल्डर आपको नहीं मिलता है, वो सब बोतल्स आपको यहाँ पे ही फंसानी पड़ती है, पूरा प्लास्टिक मिलता है, लेदर की सीट्स मिल रही है, और यहाँ पे भी देखोगे आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं दी गई है। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है अपना कम्फर्ट बढ़ाने के लिए आपका, ये बस मतलब ऐसे ही होता है, तो इसका जो नेक रेस्ट है इसके साथ ही समय में लुटती है, तो ये इस तरीके से आप अपना एंजॉय करो, यहाँ पे कप वगैरह रख लो, और ऐसे इसका जो अपना इंटीरियर देखते रहो कैसा प्रीमियम प्रीमियम सा लगता है, लाल लाल कलर का, एकदम थोड़ा सा डिफरेंट थीम आपको रेंजलर के अंदर मिलती है। प्लस ये सारे सारे एडजस्टेबल, और जब खुल जाएगी ना आपकी छत तो क्या लुक आती है भाई इस गाड़ी की, क्योंकि जब ये पाइप्स वगैरह दिखेंगे तो बड़ा बढ़िया लगता है। इसको आप खोल सकते हो, हार्ड टॉप सा है वैसे ये, लेकिन जब खुल जाता है, थार में वो अलग खुलने का सिस्टम नहीं है, तो हार्ड टॉप ले लो सॉफ्ट टॉप ले लो, थार से कंपेयर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक सस्ती रेंजलर ही है भाई, टोटली मतलब इंटीरियर छोड़ के बाहर से तो पूरी पूरी कॉपीड है वो, इसके अगर साइड में खड़ी कर दो बराबर में, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार कंपैरिजन उसका। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाती है, आप भी कहोगे यार ये तो महिंद्रा ने हद सी कर दी, मतलब इतनी इतनी कॉपी कौन करता है, पर वो भी भाई अच्छी चीज़ है कि आपको सस्ते में वाली चीज़ मिल रही है। अभी मैं आपको इसको पेट्रोल इंजन दिखाता हूँ, केवल ये गाड़ी पेट्रोल में आती है, पेट्रोल में आपको इतनी जान ऑफर कर देती है कि लोग फिर पूछते ही नहीं है डीजल के बारे में, और जो इसको लेते हैं भाई बड़े जिगरे वाले होते हैं, क्योंकि इतनी कम माइलेज यार 4-5 की माइलेज देते हैं कुल्लिए। चलो बोनट खोलते हैं भाई इसका, यहाँ से ऐसे करो इसको, और यहाँ से भी हम इसको खोलेंगे तो आपको इसका बोनट दिखेगा। यहाँ पे दोनों साइड से बोनट खोल दिया हमने भाई, अंदर से खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, थार में तो पड़ती है। ओ भाई बहुत गर्म है, तो खोलो जरा हेल्प करो गाइस। इंजन दिखाता हूँ भाई मैं आपको, ये 2 लीटर आते हैं इंडिया में पेट्रोल, ये देखिए जो निकालते हैं 268 bhp 400 nm का टॉर्क आपको मिलता है, मतलब आराम से कहीं ले जाओ, प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, इंसुलेशन पूरी यहाँ पे प्रॉपर दी गई है, हाईवे पे इसको कभी भगा रहे हो तो अंदर परेशान ना करे आपको ये बात। प्लस इतनी बड़ी गाड़ी में हाइड्रोलिक्स भी नहीं मिलते भाई आपको, मतलब ये देख रहे हो आपको यही सिस्टम करना पड़ता है, इसको बंद करते हैं, हाइड्रोलिक्स तो देने चाहिए था जीप वालों, इतनी महंगा कोई पे कर रहा है, इतना प्रीमियम बंदा है इसको जो लेगा वो बताओ कहाँ पे ही खोलेगा, अगर ये ख़राब हो गई तो फिर इसको लेके जाना पड़ेगा ऐसे टो वो करके, यहाँ पे लगाएंगे इसको। प्लस भाई आपको स्पेशल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं रेगुलर के बारे में, कंपनी क्लेम करती है कि आप इस गाड़ी को चाहे बेशक से पानी में डुबा दो लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होगा, प्लस जो इसके डोर्स हैं छत है सब कुछ खुल जाएगी, लेकिन फिर भी बारिश वगैरह होगी तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी परेशानी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, प्लस पानी में भी आराम से निकल जाती है क्योंकि ऊपर से लेती है भाई अपनी एयर, आराम से चली जाती है नदी में से कहीं से भी लेके चले जाओ, तभी बंदा इतने पैसे इस पे खर्च करने की सोचता है, और भाई 70 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, मतलब आप अगर ऐसे बात करो ना 70 लाख रुपए में आपको ऐसे बहुत प्रीमियम प्रीमियम कार्स मिल जाती हैं, प्रीमियम फीचर्स कार्स, लेकिन ऑफ रोडिंग जैसा मज़ा ये जैसा देती है वैसा कोई और गाड़ी आपको नहीं दे पाएगी। बाकी भाई देखने में तो बहुत ही प्यारी लगती है ये गाड़ी, एकदम एक नंबर लुक आती है इसकी निकल के, आप हर साइड से देखोगे तो बड़ी प्रीमियम लगती है। प्लस जो ये गाड़ी मैंने आपको दिखाई है ये बिलोंग करती है भाई जम्मू कश्मीर से,
ट्रिपल 01 नंबर है, 5 लाख रुपए का इसके अंदर नंबर भी है, 75 लाख रुपए मान सकते हो इस गाड़ी की कीमत। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि भाई ये मेरे को तो बहुत, अगर आप रेंगलर वगैरह ऑन करते हो और आपको ऐसे व्हील्स चाहिए भाई बहुत तगड़ी लग रही है गाड़ी, तो निर्वाणा 4x4 है जम्मू कश्मीर में ना, वहाँ पे सब काम होते हैं, वहाँ से आप जरूर से बनवा सकते हैं अपनी रूबीकॉन को या फिर किसी भी गाड़ी को, थार वगैरह को। तो ये थी भाई आपकी जीप रेंगलर, कैसी लगी रूबीकॉन आपको, 70 लाख रुपए आप इस पर खर्च करोगे नहीं करोगे कमेंट्स में जरूर बता के जाएं। वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।